नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती। आज का जो सेशन है ये 12th मैथमेटिक्स का है और इसमें हम आज चैप्टर नंबर 3rd मैट्रिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम ऑब्वियो की मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने 3.1 कर लिया है। 3.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं और कुछ क्वेश्चनों में मैंने हिंट भी कर दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं मैट्रिक्स के बारे में, ऑब्वियो के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज जो दो मैट्रिक्स हैं, मोर देन टू या टू मैट्रिक्स, एक से अपन अधिक मैट्रिक्स करें, मोर देन वन की बात करें, तो दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर पाएंगे, उनका एडिशन कैसे होगा, दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स, इस तरह से एन मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उनका डिफरेंस कैसे होगा, और उसमें मैं किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को मतलब अदिश राशि को कैसे मल्टीप्लाई करूं, वगैरह वगैरह, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और देन 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो पूरा प्रॉपर्टी पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम 3.2 करेंगे, क्योंकि ये सेशन इन प्रॉपर्टी में ही कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम करते हैं मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑब्वियों का योग, ऑब्वियों का योग। ठीक, आज हम अभी पहला टॉपिक अपना क्या हो गया, इसमें पहला कंटेंट कि दो ऑब्वियो को हम कैसे ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने लेट कर लिया, लेट माना, लेट ए आई जे ये एलिमेंट होते हैं, इसका ऑर्डर हमने ले लिया एम क्रॉस एन। ठीक, ऑर्डर ले लिया एम क्रॉस एन। देखिए, दो जो मैट्रिक्स होती हैं वो ऐड कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, तब सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगी। यदि उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगी। एंड बी अनादर एक मैट्रिक्स हमने बोल दिए, और एक जो मैट्रिक्स है और बी भी क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या होंगे वो भी, अच्छा इसका ऑर्डर हमने को सेम रखना है ना, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही ऐड होते हैं। आर टू मैट्रिक्स, आर टू मैट्रिक्स मैट्रिसेस, देन ए प्लस बी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है ना, ए एंड बी, ए प्लस बी, इसको इक्वल मैंने सी बोल दिया। सी एक, जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमें सी एक दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी। ऑब्वियसली जब हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ही मिलेगी, तो इसकी कोटी भी क्या होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यदि ए जो है एम क्रॉस एन कोटी का है तो बी भी एम क्रॉस एन कोटी का होना चाहिए, तभी वो ऐड हो पाएंगे। और जो हमें दूसरा मैट्रिक्स मिलने वाला है इनके एडिशन के बाद, उसकी कोटी भी एम क्रॉस एन की ही होगी। ठीक, देन हाँ, अपन ने बोला ए प्लस बी इक्वल सी। अब सी किस तरीके का मैट्रिक्स होगा, देन सी जो होगा सी सी आई जे, और कोटी इसकी क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन। सी इस तरीके से डिफाइन होगा। अब जो एलिमेंट होंगे वो किस रूप में होंगे, अभी हम इसको प्रूव कर देते हैं। अभी हम इसको दो ऐसा मैट्रिक्स लेंगे और फिर इसको प्रूव कर देंगे। तो जो सी होंगे, वेयर जो सी आई जे होगा वो ए आई जे प्लस बी आई जे। अब ए बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई, सी आई जे इक्वल ए आई जे प्लस बी आई जे। यदि मैंने, देखिए, यदि मैंने आई इक्वल वन रखा और जे इक्वल भी वन रखा है ना, आई इक्वल वन जे इक्वल वन, तो दिया आएगा सी वन वन। ये पहला एलिमेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, पहला एलिमेंट क्या होता है, जैसे मान लो इसके एलिमेंट ए टाइप के तो ए वन वन, यदि बी टाइप के हैं तो बी वन वन, पहला मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट।
तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वन वन प्लस बी वन वन। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि यदि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनका पहला पहला जो एलिमेंट है, जो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स हैं, वो कैसे होंगे, ऐड होंगे, पहले पहले जो अवयव हैं वो ऐड होंगे। यदि मैं क्या रखूँ, इफ़ I इक्वल मैंने वन रहने दिया लेकिन J इक्वल मैंने रख दिया टू, तो क्या आएगा C वन टू। ये दूसरा एलिमेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का वन टू वाला, तो यहाँ पे आएगा A वन टू और यहाँ पे B वन टू। तो यहाँ पे एक बात हमें प्रूफ होती है क्या, कि यदि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके जो करस्पॉन्ड एलिमेंट होते हैं, ठीक, संगत जो अवयव होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। तो ये आप समझ गए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ए जो एक मैट्रिक्स थी उसको मैंने बोल दिया उसमें दो एलिमेंट हैं, या मैंने बोल दिया इस तरीके से ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, और यहाँ पे ले लिया मैंने ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री, और ए टू क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स है। ठीक, आप ये जानते हैं, देखो पहला एलिमेंट ए वन वन कैसे ना, अपन पहले पढ़ चुके हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री। अब वन वन फर्स्ट में क्यों है, क्योंकि पहली क्या है, रो है, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इस कारण से शायद भाई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई रोज की संख्या को, मतलब पंक्ति की संख्या को आई रिप्रेजेंट करता है, और कॉलम्स मतलब स्तंभ की संख्या को जे रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अगला मैंने जो बी लिया, तो मैंने पहले बताया आपको जो बी होगा उसकी भी कोटि क्या होगी, ए की कोटि के बराबर होगी, उसकी भी कोटि क्या होगी, ए की कोटि के बराबर। और मैंने ले लिए कि बी में जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, वी आई जे टाइप के हैं। वी आई जे मतलब बी वन वन वी वन टू वी वन थ्री, बी टू वन वी टू टू बी टू थ्री, और कोटि इसकी भी क्या है, ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस थ्री का। हाँ, तो ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड किया ए प्लस बी, बिल्कुल। तो पहली मैट्रिक्स क्या है, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री, प्लस दूसरी मैट्रिक्स बी वन वन वी वन टू वी वन थ्री, बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री, और बस इस तरीके से हम इसको ऐड कर देते। क्या करेंगे, करस्पॉन्ड संगत अवयव अपने संगत अवयव से, है ना, एलिमेंट से। तो ए वन वन बी वन वन से जुड़ेगा, ए वन टू वी वन टू से जुड़ेगा, और ए वन थ्री वी वन थ्री से। इसी प्रकार ए टू वन ए टू बी बी टू वन से, ए टू टू बी टू टू से, और ए टू थ्री बी टू थ्री से ऐड होगा। तब हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, तब हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी कि सी, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए प्लस बी को सी बोल दिया, पहले ही बोला है मैंने सी। तो सी इक्वल क्या जाएगा, ए वन वन प्लस बी वन वन, ये पहला एलिमेंट होगा। अगला क्या आएगा, ए वन टू बी वन टू, और इस प्रकार से आप और भी आगे लिख सकते हैं। तो ये दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना सीख लिया। प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखना है इसकी, जो उनके ऑर्डर हैं मैट्रिक्स के, वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोटि बराबर होना चाहिए, और करस्पॉन्ड्स एलिमेंट्स जो होंगे, संगत अवयव जो होंगे, वो अपने संगत अवयव से ऐड होंगे। ठीक, इतना हमें याद रखना है। इसके बाद तो ये आप इसको आप याद रखिएगा जी, यहाँ से मैन हो गया। ठीक, लेट ए एंड ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी इक्वल सी, नाउ सी इज रिप्रेजेंट बाय सी आई जे, इसकी ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, वेयर सी आई जे इक्वल ए आई जे प्लस बी आई जे। इसके बाद ठीक, इसके बाद हम लेते हैं, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन
या इसके बाद सेकंड क्या है प्रॉपर्टीज़ की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स वाई आ स्केलर। किसी ऑफ व्यू को किसी एक अदिश अदिश से अदिश समझते हैं, अदिश अननोन जो होगा, चर वैल्यू जो होगी, ठीक, कांस्टेंट जो होगा उसको अदिश बोलते हैं। तो अदिश को हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक। तो किसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स वाई आ स्केलर है, किसी ऑफ व्यू को अदिश से या ऑफ व्यू को अदिश से मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। तो क्या टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स वाया स्केलर, ठीक। किसी एक अदिश से एक ऑफ व्यू का एक अदिश से गुणा, ठीक, एक ऑफ व्यू का एक अदिश से गुणन या गुणा। तो देखिए, मैंने बोला कि चलो एक मैट्रिक्स मैंने ले ली, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म के हैं, ए आई जे फॉर्म के हैं, ठीक, ए आई जे फॉर्म के हैं, और इसकी ऑर्डर क्या है इसका, एम क्रॉस एन है ना, लेट ए एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, माना कि ए क्या है, एक ऑफ व्यू है जिसकी कोटि कितनी है, एम क्रॉस एन। और हमने क्या लिखा, एंड इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, हमने माना कि के क्या है, एक अदिश है, के क्या है, एक अदिश है, एक स्केलर है। देन देन के ए भाई मल्टीप्लाई करना है, के यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख सकते हैं के ए आई जे, हाँ इतना लिखा, यहाँ भी के से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी, तो आगे जाके ये क्या हो जाता है, ये जो के होता है वो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई में होम कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना। फॉर एग्जांपल हमने क्या बताया कि ए के इक्वल ए के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे ए आई जे फॉर्म के, अब इस के का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा हर एक एलिमेंट में, इसलिए देखो मैंने ए आई जे में मल्टीप्लाई किया है, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, उसको मैंने लेट कर लिया, लेट ए क्या है, एक अपन ने एग्जाम्पल ले, चलो अच्छा सिंपल सी बात करें, मैंने ले लिया कि ए बराबर ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू, चलो चार एलिमेंट है, ये टू क्रॉस टू का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, वर्ग ऑफ व्यू है, तब इसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान रखिएगा के का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट में ना, आप चाहें तो पहले स्टेप में के इंटू कुछ ऐसा लिख सकते हैं ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू, आई बात समझ में, नाउ मल्टीप्लाई बाय के, तो के का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, वो मैट्रिक्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स क्यों ना, टू क्रॉस टू की हो, टू क्रॉस थ्री की हो, थ्री क्रॉस थ्री की हो, एम क्रॉस एन की भी क्यों ना हो, हर एक के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, आप ये समझ गए होंगे, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक, ए के इक्वल मैट्रिक्स के ए आई जे, अब ए आई जे की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे, आई क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। इसके बाद
तो आप ये समझ गए, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, हर एक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या था ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स वाया स्केलर ऑफ यू में किसी एक अदिश से गुणा। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स की। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ यू का नेगेटिव मतलब हमको उसको नेगेटिव वाला फॉर्म बताना है। कहने का मतलब यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ए क्या कहलाएगी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे, तो सिंपल है, लेट हमने मान लिया, लेट किया, लेट माना कि ए क्या है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑर्डर एम क्रॉस एन। माना ए क्या है, एक ऑफ यू है, ठीक, जिसके एलिमेंट क्या है, ए आई जे फॉर्म के हैं और कोटि क्या है इसकी, एम क्रॉस एन। यह मैट्रिक्स ठीक ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। नाउ देन माइनस ए इसके एलिमेंट क्या होंगे, देखिए माइनस ए आई जे। यदि मैंने माइनस ए से माइनस वन से यहाँ मल्टीप्लाई किया, कुल मिला के माइनस यहाँ पे लिया है, तो इसके हर एक एलिमेंट में माइनस आ जाता है। इसको और हम क्या लिख दें, इसको हम बोल दें माइनस ए इज़ा नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। तो माइनस ए क्या है, ए की क्या है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो हमने बोला जैसे फॉर एग्जांपल ए में कुछ एलिमेंट है 2, -5, 3, 4, चलो और बढ़ा दें 6, -3 इस तरीके से। चलो अब ए एक मैट्रिक्स है, ये मैंने अपने मन से ही लेट कर लिया है। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये कितनी की है, 2×3 की है। तब इसका नेगेटिव ऑफ ए दैट इज माइनस ए। अब माइनस ए तो यहाँ माइनस ए कैसे आएगा, देखिए मैंने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जो मैट्रिक्स थी 2, -5, 6, 3, 4, 3 इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा रहा इसको डिफाइन कर कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, देन माइनस ए इक्वल माइनस ए आई जे इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ अ ए। ठीक, एक एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, ठीक, ऋण मैट्रिक्स बोलते हैं हिंदी में इसको, ऋण आप भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो माइनस आता है वो कहाँ जाता है, एलिमेंट के साथ में जाता है, कहाँ जाता है, एलिमेंट के साथ में। अब यहाँ कितने एलिमेंट हैं, कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर है, 2×3 मतलब हाउ मैनी एलिमेंट, भाई इसकी कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है, 2×3, तो इसके एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे, हाँ 6 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे जो माइनस का मल्टीप्लाई होगा वो हर एक एलिमेंट से होगा, ध्यान रखिएगा हर एक एलिमेंट से, सिंपल सी बात समझना है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। तो -2 यहाँ, -5 देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, -6, -3, -4, -3 इस तरीके से, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 5, तो किसकी वैल्यू आ गई माइनस ए। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे करते हैं, उस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्यूओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स
ऑफ मैट्राइसिस, क्या बोलेंगे इसको, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर। तो आव्यूह का अंतर सेम जैसे हमने एडिशन किया था वैसे मल्टी इसका डिफरेंस है। तो देखिए लेट, हमने लेट कर लिया, माना कि ए एंड बी आर टू मैट्राइसिस एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर एम क्रॉस एन। इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, जो आव्यूह होते हैं, जो मैट्रिक्स होती हैं, उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया ना ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर एम क्रॉस एन। तो ए इज रिप्रेजेंट बाय, एक एज डिफाइन बाय ए आई जे, एज डिफाइन बाय ए आई जे, ठीक, एंड बी इज डिफाइन बाय बी आई जे, ठीक। नाउ डिफरेंस ए एंड बी, तो ए माइनस बी दैट इज ए आई जे माइनस मैट्रिक्स बी आई जे, और इसको मैंने बोल दिया डिफरेंस को मान लो डी बोल दिया ना, नाउ ए माइनस बी इक्वल डी, ठीक। तो डी के जो एलिमेंट होंगे मैंने उसको बोल दिया सी आई जे फॉर्म के हैं, ठीक। अब सी आई जे इसकी ऑर्डर भी क्या होगा, एम क्रॉस एन, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको तो पहले से करेंगे तो कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, वेयर सी आई जे इक्वल, सी आई जे इक्वल ए आई जे माइनस बी आई जे, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये तो मैंने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया कि ठीक, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया डी, और जिसके एलिमेंट्स होंगे वो सी आई जी टाइप के हैं, कितने किस टाइप के हैं, सी आई जी टाइप के हैं, और कोटी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, हाँ कोटी तो वही होगी। और जो सी की वैल्यू होंगी वो कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से। आप चाहें तो इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए आई जे माइनस बी आई जे, ये मैट्रिक्स में जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं, या सिंपल मैं कुछ एलिमेंट लेके तो आपको बता देता हूँ। तो मैंने बोला कि ए क्या है, एक चेक कर लूँ दिख रहा कि नहीं, हाँ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट अपन ने ले लिए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, या कुछ एलिमेंट लो, चलो अच्छा फाइव सिक्स सेवन टू वन थ्री, और बी मैंने ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव या सिक्स फाइव फोर, चलो। अब क्या इनकी कोटी ऑर्डर सेम है, हाँ ये भी टू क्रॉस थ्री का है, ये भी टू क्रॉस थ्री का है, हमें क्या निकालना है इनका डिफरेंस ए माइनस, इसको हम कैसे लिखेंगे, फाइव सिक्स सेवन टू वन थ्री माइनस वन टू थ्री सिक्स फाइव फोर। नाउ प्रॉपर्टी क्या है कि ए माइनस बी इक्वल बी आई जे माइनस, सॉरी ए आई जे माइनस बी आई जे। तो कहने का मतलब जो क्या है, संगत अवयव होता है, अपने संगत अवयव से ही डिफरेंस उसका होगा। हाँ अब जिसको हमने पहले मैट्रिक्स को रखा, यदि ये को हमने रखा है, तो ए वाले जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट से बी वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सिंपल ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ पहला ए वन वन क्या है, फाइव, बी वन वन क्या है, वन, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अगला क्या, तो फोर, देखो फाइव माइनस वन दैट इज़ फोर, अब सिक्स माइनस टू दैट इज़ फोर, सेवन माइनस थ्री दैट इज़ फोर। अब माइनस टू, सॉरी
2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4 और 1 माइनस 5 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1। तो इस तरीके से हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर ली और इसी को हम क्या बोल देते हैं डी। तो आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना क्रिएट, सिंपल से याद रखें कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, पहली वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट अपने दूसरी वाली मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड जो एलिमेंट होंगे, संगत एलिमेंट जो होंगे वो उनसे सब्ट्रैक्ट होंगे, दूसरा वाला मैट्रिक्स पहले वाले से सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपन ने पहले में से दूसरे को हटाया ना, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद तो यहाँ से एक बात, इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी हैं, कुछ और प्रॉपर्टी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस एडिशन या मैट्रिक्स एडिशन लिखे अभी यहाँ पे। एडिशन क्या बोलेंगे इसको, अवयवों का योग गुण धर्म। ठीक, अवयवों का योग गुण धर्म, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयवों का योग गुण धर्म। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, आपने नंबर्स में यूज किए हैं। देखो जैसे मैंने बोला कि ए एंड बी आर टू नंबर्स, मैंने बोला ए और बी दो संख्याएं हैं। ठीक, और हम किस में यूज कर रहे हैं, एडिशन में, है ना, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी अलग होता है, एडिशन में अलग होता है। तो ए प्लस बी मैंने लिया और ए प्लस बी क्या है, दो नंबर्स हैं और नंबर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 एंड 4 आर टू नंबर्स, बिल्कुल 5 और 4 दो संख्याएं हैं। अब 5 प्लस 4 क्या कितना आया, 9, या 4 प्लस 5 क्या कितना आया, 9। तो दोनों का आंसर कितना आ रहा, सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब 5 प्लस 4 करूं या 4 प्लस 5 करूं, हमें आंसर कितना, 9 ही मिलने वाला है। ठीक, तो 4 प्लस 5 को या 5 प्लस 4 को 4 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए लिखा जा सकता है और यही कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हमें मैट्रिक्स में होल्ड कराना है। तो देखिए एक प्रूव कर दूंगा, बाकी प्रॉपर्टी आप खुद प्रूव कर सकते हैं, मैं उसके नियम बस यहाँ पे लिख दूंगा, प्रॉपर्टीज लिख दूंगा। देखिए मैंने बोला लेट ए एंड बी बी आई जे आर टू मैट्रिक्स या मैट्रिक्स लिख लो, मैट्रिसेस, ठीक, ऑफ सेम ऑर्डर m क्रॉस n,
मैंने बोला कि ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स हैं जिसके एलिमेंट क्या हैं, इसके ए आई जे फॉर्म के एलिमेंट हैं, इसके बी आई जे फाइव बी आई जे फॉर्म के एलिमेंट हैं, और इसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। देन तब कि ए प्लस बी इक्वल, हमें क्या प्रूव करना है बी प्लस ए, हमें ए होल्ड कराना है। देन नाउ वी प्रूव डेट ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, है ना। तो देखिए हम किसी एक साइड को लेके चलते हैं और सेकंड साइड प्रूव कर देंगे। तो a प्लस बी, तो a का जो फॉर्म क्या है वो है a आई जे, प्लस b का फॉर्म क्या है मैट्रिक्स b का b आई जे, इसके एलिमेंट क्या है a आई जे टाइप के हैं और इसके एलिमेंट क्या है b आई जे, दोनों में क्या है एडिशन हो रहा है। और अभी हमने देखा रहा कि जब दोनों में एडिशन होता है तो क्या हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं a आई जे प्लस बी आई जे सिंगल मैट्रिक्स बना के, हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और अभी हमने बोला, अभी मैंने आपको बताया है कि जो नंबर, भाई ए आई जे क्या है, नंबर संख्याएं होंगी, बिल्कुल नंबर्स हैं, और बी भी क्या है एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स कहाँ के नंबर्स होंगी संख्याएं होंगी, और संख्याओं पे नंबर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं नाउ ए आई जे प्लस बी आई जे को हम लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे, है ना, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन नंबर्स, ठीक, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाय क्रम विनिमय नियम। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्रम विनिमय नियम क्यों, क्योंकि ये नंबर से मैट्रिक्स नहीं है, ए एलिमेंट्स होंगे। चलो यहाँ पे हम सिंपल भी कर लें इस तरीके से, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, हाँ नंबर्स हैं, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम होल्ड होता है, संख्याओं पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो क्योंकि ए और बी क्या है ये संख्याएं होंगी। तो कहने का मतलब ए आई जे को हम क्या लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे, और इसको हम वापस कहाँ पहुँच सकते हैं, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया बी आई जे प्लस मैट्रिक्स में बी आई जे प्लस मैट्रिक्स में ए आई जे, हाँ लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे वापस हम यहीं पहुंच जाएंगे बाय एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स मैट्राइसिस, है ना, दो आवयवों का योग। और एक इसकी वैल्यू थी, ए वैल्यू थी बी की, एक इसकी वैल्यू थी, ए वैल्यू थी ए की, तो हमने ए प्लस बी लेके चले और क्या प्रूफ कर दिया बी प्लस ए प्रूफ कर दिया, है ना, ए प्लस बी को लेके चले और बी प्लस ए लेके आ गए, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, है ना, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। इसके बाद आप जानते हैं कौन सा नियम आता है, सहचर नियम, सहचर नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ। तो यहीं पे मैं अगली प्रॉपर्टी कर दे रहा हूँ। देखिए सहचर नियम में, एसोसिएटिव लॉ में, हमें नंबर ऑफ जो नंबर्स होते हैं संख्याएं होती है कितनी लेते हैं, तीन लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी, सहचर नियम, इसमें क्या होता है, देखिए अपन ने हमने हम सभी नंबर्स पे सहचर नियम किया है, एसोसिएटिव लॉ नंबर्स पे यूज किया है। माना लेट ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स, मैंने बोला ए और बी और सी क्या है तीन संख्याएं हैं, देन वाई प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम क्या बोलते रहे कि ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी इन द ब्रैकेट और प्लस सी, पहले इनको ऐड करेंगे देन इस सी को ऐड करेंगे। और पहले मैंने क्या किया बी प्लस सी को ऐड कर दिया और देन ए को ऐड किया, तो जो आंसर हमको यहाँ से मिलेगा तो वही आंसर यहाँ से ही मिलना चाहिए। हाँ ये प्रॉपर्टी हमने नंबर्स में होल्ड की है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया थ्री फोर एंड फाइव आर थ्री नंबर है, चलो इसको प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हैं, ए के प्लेस में क्या है थ्री, बी के प्लेस में क्या है फोर, तो थ्री प्लस फोर ब्रैकेट प्लस फाइव, तो देखिए ज़रा, और यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है थ्री और ब्रैकेट में फोर प्लस फाइव,
तो 3 + 4 = 7 +5, 3 + 4 + 5 = 9, 7 + 5 = 12 और 3 + 9 = 12। देखिए सेम आंसर आया। तो नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना। यदि हमने बोला कि लेट कर लिया, लेट ए बी एंड सी आर 3 मैट्राइसेस, ठीक 3 मैट्राइसेस, देन अच्छा एंड दीज डिफाइंड ए इक्वल ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस, ए बी और सी इस प्रकार से डिफाइन है कि बी आई जे ऑर्डर सेम, अच्छा ऑर्डर सेम रहना चाहिए तभी हम यहाँ पे ए प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, सी आई जे मान लिया इसको मैंने और ऑर्डर क्या है, तब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी प्लस सी, इसको हम ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, आप इसको याद रखें। इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा, आप खुद प्रूफ करना, पहले इसको ऐड करना ए प्लस बी, जो भी आंसर आए उसको सी मैट्रिक्स से ऐड कर देना, और इसी प्रकार पहले बी प्लस सी को ऐड करना और जो भी आंसर आए उसको ए से प्लस कर देना, आपको दोनों आंसर सेम मिलेंगे। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचर नियम। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक योग के तस्मक का अस्तित्व। तो अगला करते हैं, योग के तस्मक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक क्या बोलेंगे इसको, योग के तत्समक का अस्तित्व, ठीक अस्तित्व। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स, देखिए अपन ने यहाँ पे नंबर की बात कर, मैंने बोला एक नंबर है, या मैंने बोला चलो 5 एक नंबर है। अब इसमें एक ऐसा नंबर हमें ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा नंबर ऐड कर दें कि हमें 5 ही मिल जाए, तो क्या बोलोगे आप, जीरो। तो जीरो क्या कहलाएगा, 0 5 का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, तस्मक है ना, तस्मक कहलाएगा, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, कौन, जीरो। बट ये नंबर में तो होल्ड होती है, तो इसी प्रॉपर्टी को हमें मैट्रिक्स में होल्ड करानी है, ठीक। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने बोला लेट इज अ मैट्रिक्स, इज अ मैट्रिक्स एंड ओ इज अ जीरो मैट्रिक्स, हमने क्या बोल दिया, सून ऑफ व्यू जीरो मैट्रिक्स, माना कि ए क्या है, एक ऑफ व्यू है एंड ओ, जी ओ हो गया है ना, क्या है जी ओ, ओ एक क्या है, सून ऑफ व्यू है, ओ क्या है, सून ऑफ व्यू है, तब देन बी प्रूफ, या देन हम बोल सकते हैं कि ए प्लस ओ इक्वल ए, सो ए ओ इज क्या है, ओ इज अ एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव मैट्रिक्स, देन ओ इज एडिटिव मैट्रिक्स, है ना, तब वो क्या कहलाएगा, तस्मक ऑफ व्यू। देखिए
हमने क्या लेट किया है, ए इज मैट्रिक्स एंड ओ इज जीरो मैट्रिक्स। देन यदि ऐसा हमें मिल जाए, इफ ए प्लस ओ इक्वल ए, देन हम क्या बोलेंगे, ओ इज एडिटिव मैट्रिक्स। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया ए के जो एलिमेंट हैं वो ए आई जे वाले फॉर्म के होंगे, एंड ओ क्या है, ओ क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, सुनाव्यू, सुनाव्यू आप जानते हैं क्या, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो आई जे, सुन आई जे होंगे, बिल्कुल इस तरीके से होंगे। अब सुन आई जे लिखे या सुन लिखे, बात वही है। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला, ए प्लस ओ, तो ए आई जे मैट्रिक्स में प्लस जीरो आई जे, और देखिए ए आई जे और प्लस जीरो आई जे, हाँ वाई एडिशन प्रॉपर्टी इन अ मैट्रिक्स है ना, एडिशन प्रॉपर्टी से हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट में हम जीरो को ऐड करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन नंबर्स एग्जिस्ट करती है, हाँ एग्जिस्ट करती है, होल्ड होती है ना। तो यहाँ पे जो जीरो हम लेंगे, जीरो आई जे, तो कोई भी नंबर हो, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, बी प्लस जीरो इक्वल टू बी, तो कहने का मतलब यदि हम नंबर्स में जीरो को ऐड करें तो क्या वही नंबर आता है, जैसे मैंने बोला फाइव प्लस जीरो दैट इज़ फाइव ही आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आई जे बिल्कुल आएगा, और ए आई जे किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है ना। दैट इज़ हमने क्या प्रूव कर दिया, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स लेके चले और हम क्या मिल गया, इक्वल ए मिल गया। तो ये कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, हाँ जी कौन सी, एडिशन में कर दो, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्सेस, इन्वर्सेस की प्रॉपर्टी हमें होल्ड करानी है, ठीक। तो ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है ना, ए की इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, इसको मैं ड्रॉप कर दूं। इन्वर्सेस या इन्वर्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ठीक। योग का प्रतिलोम, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, लिख सकते हैं इसको अपन, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, हम एक मैट्रिक्स गिवन रहेगी, तो हमने एक मैट्रिक्स लेट कर ली, लेट या माना एज अ मैट्रिक्स, एंड बी इज अ इन्वर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक। अब इन्वर्स मैट्रिक्स का समझ रहे होंगे आप, तो इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगी, चलो इसको बी मैंने मान ली, तो क्या होगा, ए तो क्या है एक मैट्रिक्स, वो कैसे डिफाइन है, ए आई जे फॉर्म डिफाइन उसका, ठीक। अब बी क्या है, बी क्या है, इन्वर्स मैट्रिक्स है, तो बी के जो एलिमेंट होंगे उसको वो कुल मिला के वो क्या होगा, माइनस है, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगी, माइनस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए आई जे, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए आई जे। तब यदि ए प्लस बी इक्वल, हम क्या प्रूव कर दें, जीरो मैट्रिक्स, क्या प्रूव कर दें, जीरो मैट्रिक्स, सुनाव्यू, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बी क्या है, ए का एक इन्वर्स मैट्रिक्स है, हैं ए की क्या है, एक इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा याद रखना है, ठीक, तो सिंपल सा याद रखना है। तो बी को हमने क्या माना, माइनस है, दैट इज, इसको प्रूफ करना कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूँ, ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इक्वल जीरो,
मैट्रिक्स आप कर सकते हैं, क्योंकि बी के जो एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट कैसे होंगे, माइनस ए आई जी टाइप के होंगे। यदि हम करें भी, चलो कर लेते हैं, फिर अभी प्रूव कर देंगे। तो ए प्लस बी इक्वल ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे। अब आप खुद बताइए, दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं तो एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या, जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो जीरो आई जे। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी इक्वल क्या आ गया, जीरो। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि बी इक्वल माइनस है, बी इक्वल क्या आएगा, माइनस ए आ जाएगा। तब देन हम क्या बोलें कि ए प्लस बी की प्लेस में क्या आ रहा है, माइनस ए। तो ए प्लस माइनस ए, या इसको अपन उल्टा भी लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बी प्लस ए भी कर सकते हैं। तो माइनस ए प्लस ए इक्वल जीरो मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि दो मैट्रिक्स सेम है लेकिन जो पहली मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स का नेगेटिव है, या सेकंड मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स का नेगेटिव है, नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो इनका सम क्या आता है, जीरो आता है। ठीक, इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, जीरो मैट्रिक्स ना, क्या पढ़ लिया अपन ने, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टी होती हैं। अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बुक में रह गई है, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो स्कोर कर लिख सकते हैं, अदिशों से आव्यूह गुणा किस तरीके से करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी हमने, ध्यान रखिएगा, हमने लेट कर लिया, लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ठीक, एंड आर टू, चलो सेम ऑर्डर कर लो, यहाँ पे सेम ऑर्डर ले लेते हैं हम इसका, एम क्रॉस एन। ठीक, एम क्रॉस एन, सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक, दो आप व्यू हैं जिस, जो किस, इनके ऑर्डर क्या हैं, इनके ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। तो ए इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइन है कि ए के जो एलिमेंट है वो ए आई जे हैं, और कोटि आपको पता है ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, और बी के भी जो एलिमेंट हैं वो बी आई जे टाइप के होंगे, और ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन। तो हमें क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान बस रखिएगा, आपको एग्जाम में या क्वेश्चनों में यूज होगी अभी, कि और हमने एंड लेट कर लिया, एंड लेट ऑल्सो लेट के एंड एल आर टू स्केलर्स, टू स्केलर्स है ना, दो अदिश हैं। हमने क्या बोला कि ए और बी क्या हैं, दो समान कोटि के आव्यूह हैं। ठीक, जहाँ K और L क्या हैं, दो अदिश राशि हैं। ठीक, अदिश हैं। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी कि K A प्लस बी है ना, हमने क्या किया कि दो आव्यू लिए, A प्लस बी दोनों को जोड़ा, ऐड किया, और उसमें K से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ, मैंने यहाँ टॉपिक नहीं लिखा, आप लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, कि नहीं आप व्यू में किसी भी अदिश को मल्टीप्लाई करना किस तरीके से, उसमें क्या प्रॉपर्टी बनती है, क्या गुणधर्म है उसके। तो इसको हम लिख सकते हैं के ए प्लस के बी। तो कहने का मतलब, इस के का हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसी के को हम बी से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर है दोनों को ऐड कर दें, तो इनका आंसर, इसका आंसर सेम ही आता है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी,
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो स्केलर का सम, दो स्केलर का सम और इसमें किससे, किसी एक मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, सम ऑफ टू स्केलर्स एंड मल्टीप्लाई बाय एन अदर मैट्रिक्स, है ना, किसी एक मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम कुछ इस तरीके से के ए प्लस एल ए भी लिख सकते हैं, है ना, अलग अलग मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ऐड करें तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा। अब इसको आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं अभी। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, किन्हीं दो आव्यूह का मल्टीप्लाई गुणा कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा हो चुका है। तो अगले सेशन में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दो आव्यूह का या आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं वो सीख के, और अगली एक्सरसाइज जो 3.2 वो करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी और एक्सरसाइज एक साथ आ जाएगी अगले वाले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।